नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे यस बैंक स्टॉक के बारे में। क्या यस बैंक कल तक बहुत अच्छा था, आज बहुत बुरा हो गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। जो लोग आज यस बैंक में 5 रुपीज के टारगेट दे रहे हैं, यही लोग कुछ समय पहले, लगभग 5-7-10 दिन पहले यस बैंक के टारगेट 100 बता रहे थे। ये लोग बरसात की मेंढक की तरह हैं, जिसके खुद के मान ईमान कुछ भी नहीं है। वो बस जिधर ट्रेंड गया उधर के बड़े लेवल्स देने शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाजार को खुद से सीखे। अभी भी अगर आप बाजार के बेसिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, जहां सभी बाजार के बेसिक्स टू एडवांस आपको काफी सिंपली 1-to-1 आपको समझाया जाता है। अब एपिसोड में आगे बढ़े, उससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे। इस समय रिसेंट में जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 24 का ट्रेड कर रहा है, 33 करोड़ के वॉल्यूम ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉक एक निगेटिव टेरिटरी जोन में जाते दिख रहा है। इस समय 23 एक लास्ट सपोर्ट है। अगर ये टेक्निकली 23 के लेवल को यस बैंक ब्रेकडाउन करती है तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो 200 डे मूविंग एवरेज है लगभग 16 रुपीज 80 पैसा, वहां तक के लेवल्स को भी टच करते दिख सकता है। मैं क्यों कहता हूं इस समय कौशन बरतने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज स्टॉक अपने पीक पे है, लेकिन प्राइस वाइज अभी भी अपने पीक से लगभग 90% के डाउनफॉल पे ट्रेड करते दिख रहा है। ये इसीलिए क्योंकि इक्विटी काफी डाइल्यूट करे गए। हमने लास्ट समय भी आपको क्या कहा था, यस बैंक इस समय एक न्यूज ट्रेंडिंग स्टॉक बन चुका है। जब भी इसके पॉजिटिव न्यूज आएंगे तब इसमें पॉजिटिव ट्रेंड, और जब भी निगेटिव न्यूज आएगी तब निगेटिव ट्रेंड दिखेगा, सेंटीमेंटल ट्रेंड ही दिखेगा, क्योंकि फंडामेंटली काफी ओवर वैल्यूड है स्टॉक। नियर अराउंड 60 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 12-13 है। तो इस समय क्या होना चाहिए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? टेक्निकल ट्रेंड वीक है, मिनिमम 28 के लेवल के ब्रेकआउट हो लेने दें फॉर फर्दर अप मूव। जो अप मूव हमने 19-30 के देखे थे, टेक्निकली इस समय स्टॉक जो है 19 और 21 जो पहला डिमांड जोन है उसको रीटेस्ट कर सकता है, और इन वर्स्ट सिनेरियो 16 के लेवल को भी टच करते दिख सकता है। तो इस समय बिल्कुल कौशन बरते, वही लोग होल्ड करें जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ये एक निगेटिव टेरिटरी में है और बिल्कुल इग्नोर करेंगे। बिल्कुल लॉन्ग करने से इस समय बचना चाहिए, ओनली 28 के ऊपर या फिर 19 के लेवल के कंसोलिडेट के बाद के ब्रेकआउट को लेंगे। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।